वेलकम बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि u एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2z प्लस i अपॉन z माइनस के आई एंड k इज ग्रेटर देन 0। तो इफ़ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय रियल ऑफ u प्लस इमेजिनरी ऑफ u इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट्स p एंड q वेयर pq इज इक्वल टू 5 देन वैल्यू ऑफ k इज, यानी ये वाला कर्व y एक्सिस को दो जगह पे काट रहा है ना, और उसका लेंथ है pq 5 है, तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना बच्चों, रियल ऑफ u प्लस इमेजिनरी ऑफ u इक्वल्स टू 1 जो भी कर्व होगा इस तरह का सपोज कीजिए, तो ये दो जगह काट रहा है एट x इक्वल्स टू 0 पे, तो ये लेंथ आपको दिया हुआ है 5, तो k क्या होगा पूछ रहा है। तो अपन u को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। यही है बच्चों, तो इसका रियल ऑफ u अपने को निकालना ही पड़ेगा है ना, और इमेजिनरी ऑफ यू अपने को निकालना ही पड़ेगा। इसके लिए आप जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई यूज़ कर सकते हो। जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई पुट करके यू का रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल करके हम लोग ये कर्व निकालेंगे, और उसमें फिर एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करके वाई की दो पॉइंट्स मिलेंगे, और उसका डिफरेंस अपने को पता है कि 5 है ना बच्चों, तो उससे के निकल जाएगा। यू देखिए ये है, ठीक है ना बच्चों, ट्वाइस ऑफ जेड प्लस आई अपॉन जेड माइनस के आई, ठीक है ना। इसमें लेकिन सीधा z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई पुट करने से पहले एक बार 2 माइनस कर लेंगे, इससे फायदा होगा अपने को। दोनों साइड हम लोग 2 माइनस कर दिए, तो इससे क्या होगा कि ये वाली चीज़ हो जाएगी 2z प्लस आई माइनस ऑफ 2z प्लस ऑफ 2ki अपॉन z माइनस ki, और यहाँ देखिए 2z कट जा रहा है, तो क्या आ जा रहा है, ये i कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 2k अपॉन z माइनस ki, ठीक है। यानी ये बेसिकली हो जा रहा है u माइनस 2 अपॉन 2k प्लस 1, इधर ले आते हैं, ये क्या है, प्योरली रियल नंबर है, इज इक्वल्स टू i अपॉन z माइनस ki। अब z इक्वल्स टू x प्लस y पुट कर देंगे, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा इवेल्युएट करने में अब हमें आसान हो जाएगा। हमने पुट कर दिया z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ठीक है, यही बन जाएगा x प्लस आई वाई माइनस के। अब हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों, यही आ गया, ये आया है आपका u माइनस 2 अपॉन 2k प्लस 1। तो यहाँ पे रियल ऑफ u क्या हो जाएगा बच्चों, रियल ऑफ u देखिए हो जाएगा y माइनस के अपॉन x स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई में आएगा बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आएगा रियल ऑफ u, ठीक है बच्चों, और इमेजिनरी ऑफ u क्या आ जाएगा, ये 2k प्लस 1 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है, 2 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 2 क्या रियल है। तो अपने को रियल ऑफ यू और इमेजिनरी ऑफ यू मिल गया है। अब इसी दोनों का एडिशन क्या है, इक्वल्स टू 1 है, तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसको 2 को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जा रहा है, ठीक है, यही आ जा रहा है। अब यही कर्व क्या कर रहा है बच्चों, y एक्सिस को दो जगह काट रहा है, तो इस चीज में हमें क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 0, इससे दो y की वैल्यू आएगी, वो हमें निकालना है, तो x इक्वल्स टू इसमें 0 पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये इसको इधर ला के कॉमन ले सकते हैं y माइनस के, तो क्या हो जाएगा, तो आइदर y इज इक्वल टू के, एक y की वैल्यू ये आ रही है, और दूसरी आ रही है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ के प्लस 1, ठीक है, तो आप इसको ग्राफिकली एनालाइज करके देख सकते हो।
तो देखिए पॉइंट क्या क्या आ गया, एक आ गया आपका k, दिया हुआ है कि आपका k इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो एक आ गया आपका k y की वैल्यू, और एक आया है k प्लस वन, माइनस ऑफ k प्लस वन, यानी यही निगेटिव में जाएगा, और इसी दोनों का डिफरेंस आपका क्या है, फाइव है। यानी क्या चीज़ है, फाइव, k माइनस ऑफ k प्लस वन, यानी k प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। ठीक है बच्चों, यानी 2k प्लस वन इज इक्वल टू फाइव, k इज इक्वल टू फोर बाई टू, यानी टू होगा आंसर बच्चों। ठीक है, क्योंकि अपने को यही लेंथ दी हुई है, क्या चीज़ दी हुई है, PQ जो है 5, तो ये अपना k की वैल्यू आ गई 2। तो आंसर क्या होगा बच्चों, A होगा 2। ठीक है ना, k इज इक्वल टू 2 इफ PQ इज इक्वल टू 5, ये था P और ये था Q। तो आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, बस सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो कि इससे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा आसान हो गया, नहीं तो ऊपर नीचे भी x प्लस आई वाई टर्म होता, थोड़ा प्रोडक्ट लेना पड़ता, इसकी मदद से थोड़ा प्रोडक्ट लेना आसान हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर ये चीज़ निकालने में ध्यान देना था, यहाँ फिर मिस्टेक हो सकती थी। तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।